आप सभी अवगत हैं कि परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स नाम के एक दुकान पर कुछ अपराधकर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई थी, जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था सिटी SP साहब के नेतृत्व में। इसमें विद इन 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराधकर्मी रहा है, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये मूल रूप से मदुरापुर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और उसके जो हम लोगों ने इंटरोगेशन किया उससे पता चला, ये जो ज्वेलर हैं राकेश कुमार सोनी, क्योंकि ये नॉन चेन स्नैचर रहा है, हालांकि रहने वाला ये वैशाली का है लेकिन अधिकांश इसका जो वो अपराध क्षेत्र है वो यहीं का रहने वाला है, पटना में करता है। तो जितना ही उनको हटा दीजिए, ले जाइए, इनका फोटो हो गया ना, ले जाओ। तो इसका जो अपराध क्षेत्र पटना का ही है, तो जितना भी जो चेन स्नैचिंग ये करता था तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है, पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी इसमें उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बार सफल नहीं हुआ था लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से यहाँ लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो मिल नहीं रहा था। इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग घटनास्थल पर चढ़े थे, उसमें एक गोविंदा कुमार नाम का शख्स है जो कि वैशाली ज़िला का रहने वाला है, और इसके साथ जहाँ पे जाके ये घटना का पूरा षड्यंत्र रचा गया था और जिन्होंने हथियार सप्लाई किया है, 2 सहोदर भाई हैं प्रवीण कुमार उर्फ झुन्नू सिंह करके और उसका भाई है सुबिंद कुमार उर्फ बंटी कर। हालांकि उस पर हम लोग बहुत कुछ तो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका वो भी चल रहा है। जो SS ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है तो उसमें अपराधकर्मी भी पकड़ा गया है, एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है, उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है, एक लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज़ हुआ वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 जनवरी से 2 घटनाएं हुई हैं, तो एक अभिभेदन जो मैंने आपको बताया उसमें लूट की वारदात नहीं थी, उसमें तो जो आपको बताया गया है कि किस कारण वो घटना हुई है उस पर रंगदारी की भी बात नहीं है, और आज की घटना ऑफकोर्स लूट की घटना है और बाकी उसका अनुसंधान चल रहा है और बाकी जैसे ही आपको सब पूरा अभिभेदन हो जाएगा वापस की जानकारी। देखिए फ़ोन तो एक फ़ोन जब हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं या फिर किसी सरकारी कार्य में होता है तो ऑफकोर्स हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, और बहुत फ़ोन आते हैं, ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर हमेशा कॉल ऑपरेटर भी उपलब्ध रहता है, वो अपनी सूचना जो भी है वहाँ पे दे सकते हैं। मीटिंग्स में रहते हुए हम लोग देखते हैं कि कभी फ़ोन उठाया नहीं जाता अधिकारी द्वारा कहीं पर भी नहीं, तो हो सकता है कि अधिकारी व्यस्त हो रहे हैं, अधिकारी को बहुत से काम होते हैं, उनको CCTV भी देखना है, उनको बाकी जगह से वो भी है, ये अभी तक नहीं बताया है, अभी उसका मिलान चल रहा है। नहीं देखिए इसमें ये है कि क्योंकि रिकवरी के साथ जा रहे हैं तो उसमें जो होता है इनके जो कन्विक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यदि बिना रिकवरी के जाएं तो जल्दी बेल मिलता है, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इनका बेल जल्दी ना हो और जितना जल्दी हो इनका केस हम लोग ट्रायल में डलवाएं। जो आज ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया वो कितने का है? अभी तो उसका चल रहा है, मिलान चल रहा है, अभी वैल्यू नहीं किया गया, अभी तो कोई वैल्यू नहीं किया गया, अभी तो 1 घंटे पहले से ही बात हुई है कारोबारियों से, उनका करना कि करोड़ों की ये लूट है, पटना पुलिस क्या मानती है? क्या 5 करोड़ का होगा? जब वो लिख के देंगे तो उसके हिसाब से, अभी तो खुद मिलान कर रहे हैं, अभी कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ सब सोने का ही है या कुछ आर्टिफिशियल? अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी होगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। तारीख रूप से लिख के दिया है और अपना स्टॉक बुक को मिलान करवा रहे हैं।